साथ सोमवार से दो दिन यानी 16-17 जनवरी को राजधानी भोपाल में G20 का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में 22 देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले दिन 16 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 17 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। तो दो दिनों में 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशन होंगे। G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी का मौका भारत को मिला है। इसी कड़ी में राजधानी में 16-17 जनवरी को दो दिनों तक बैठकें आयोजित होंगी। इन बैठकों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम ने अफसरों से कहा, हमारे मेहमानों के सामने मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, व्यंजन आतिथ्य परंपरा के साथ ही शहर की स्वच्छता की झलक भी नजर आनी चाहिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार से दो दिन भोपाल में G20 का सम्मेलन होगा। 16-17 जनवरी को राजधानी में G20 सम्मेलन होगा। तो 22 देशों के डेलीगेट सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। तो तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, सोमवार से दो दिन यानी 16-17 जनवरी को राजधानी भोपाल में G20 का सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में 22 देशों के डेलीगेट शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले दिन 16 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल कविता, इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और मध्य प्रदेश जिस तरीके से विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मेजबानी करने का मौका इस बार मध्य प्रदेश को भी मिला है। और कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत आने वाले थिंक 20 का कल जो है यहाँ पे बैठक होनी है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में ये बैठकें होंगी। दो दिन की यहाँ पे चर्चा होगी, अलग अलग विषय पे जो है चर्चा होनी है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि तैयारी शुरू हो चुकी है कल से, क्योंकि लगभग कई देशों से जो मेहमान है वो कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। कविता पहले तस्वीर देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे की कन्वेंशन हॉल की तस्वीर है, जिसमें जो हमारे पास जानकारी आ रही है कविता, उसके अंतर्गत लगभग भारत जो G20 देश है उसमें भारत, चीन, जापान, इटली, रूस जैसे जो बड़े देश हैं वो इस G20 ग्रुप के अंदर शामिल हैं। और उसके बाद अध्यक्षता इस बार मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश के पास हमारे पास जिस तरीके से जो जानकारी आ रही है, कई देशों से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से तैयारी शुरू कर दी गई। अलग अलग स्टॉल यहाँ पे कविता बनाए जा रहे हैं और इस स्टॉल के अंतर्गत मध्य प्रदेश का किस तरीके का इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश की क्या अलग अलग गतिविधियां रही है, वो स्टॉल के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनको बताने की यहाँ पे कहीं ना कोशिश की जाएगी। देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है G20 के थिंक 20 के जिस तरीके से कल तैयारी हो रही है उसको लेके। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेके आज बैठक भी करी है और बैठक के माध्यम से तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि कल किसी प्रकार की कोई भी कमी जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की नीति रीति के साथ कल हमारा मध्य प्रदेश चलेगा। देखिए अगर जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से 42 देशों के लगभग 94 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो है मेहमान कल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में रहेंगे। 100 अतिथि जो है अन्य राज्यों से कल यहां पे पहुंच रहे हैं और इसके साथ अगर हम बात करें तो लगभग 100 स्थानीय अतिथि भी यहां पे रहेंगे। यानी कुल मिला के कल जो दो दिन की बैठक हो रही है उस बैठक के अनुसार 294 जो है मेहमान यहाँ पे पहुंचने वाले हैं कविता। उसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए जिस तरीके से G20 का जो मकसद रहता है वो इकोनॉमी के साथ साथ अलग अलग तस्वीरों का, देखिए पहले तस्वीरें समझ लेते हैं हम पहले, फिर इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं कि ये अलग अलग यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि आखिर मध्य प्रदेश का किस तरीके का इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश का किस तरीके से यहाँ पे क्या व्यंजन रहते हैं, मध्य प्रदेश की क्या वेशभूषा, ये तमाम जो चीजें वो कविता कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश यहाँ पे स्टॉलों के माध्यम से की जाएगी। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर हम देखें बैठक का जो जरूरी रहती है G20 के अनुसार, उसमें पूरे विश्व की
की इकोनॉमी को लेकर चर्चा की जाती है कि इस समय इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, और अगर लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल में कोविड के वजह से पूरा विश्व इकोनॉमी जो है लगातार आर्थिक संकट है, तो पूरा विश्व जूझ रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके से हम उभरे और आने वाले वर्षों में क्या इन G20 देशों की किस तरीके की क्या रणनीति रहेगी, तमाम ये योजना है जो मध्य प्रदेश के अंदर बनाती हुई हमें दिखाई देगी। हालांकि जिस तरीके से सीएम शिवराज का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो मेहमान आएंगे वो उनके लिए मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है इसमें सांची और तमाम जो दूसरे स्थल है वहां पे भी पहुंचेंगे, तो वहां पे भी तमाम तैयारी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दो दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी जरूरी भी है, और विश्व के पटल पे कल मध्य प्रदेश हमें दिखेगा, और विश्व के पटल पे हम ये दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश सहित पूरा देश का क्या विकास का क्या रोड मैप है, और किस तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तैयारी के लिए मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल इस समय कविता पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जी बिल्कुल, यदि अतुल बात करें, सीएम शिवराज ने अफसरों के साथ बैठक ली जहां उन्होंने संस्कृति आतिथ्य परंपरा के साथ ही शहर की स्वच्छता की झलक भी नजर आने की बात कही है। देखिए हमारा देश और हमारा मध्य प्रदेश और हमारा भोपाल अगर किसी बात से जाना जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है कि स्वच्छता को लेकर आया। देखिए हमारा इंदौर, हमें गर्व होता है कि जब पूरे विश्व देश में सबसे स्वच्छता का शहर माना जाता है, और राजधानी भोपाल में भी यही बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया है, भारत अब बदल चुका है, भारत एक नया इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और स्वच्छता को लेकर क्या रोड मैप है तमाम ये कोशिश की जाएगी। रोड चौक चौराहों पर स्वच्छता का निर्देश जारी किया, अधिकारियों का यही निर्देश है। देखिए कविता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि जब अतिथि आए तो जब यहां से विदाई हो तो एक नया भारत की तस्वीर लेके यहां से विदा हो, और इकोनॉमी सहित तमाम जो दूसरे हम लोग के जो काम चल रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से कविता हमने देखा था कि कोविड के काल में जब दूसरे जी बिल्कुल आप नजर बना रखिएगा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे मजबूती